मेलघाट विदर्भ का नंदनवन। इस दुर्गम भौगोलिक प्रदेश को प्रकृति ने अपनी अद्भुत रचनाओं से संवारा है। वैविध्यपूर्ण वन्यजीव सृष्टि और प्राकृतिक वन संपदा के बीच ही यहाँ के आदिवासियों की रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद भी है। मेलघाट की अधिकांश जमीन संरक्षित वन क्षेत्र होने की वजह से कृषि योग्य जमीन काफी कम बसती है। गोंद, लाख, मूसली, शहद और तिखाड़ी जैसी वन संपदा का दोहन भी कठोर नियमों की वजह से कठिन होता जा रहा है। ऐसे में कृषि ही आजीविका का एकमेव साधन है। पहाड़ी ढलान की बंजर पथरीली जमीन का सीना चीर कर किसान जो भी उगाता है वह उसका साल भर पेट पालने के लिए पर्याप्त नहीं है। वंश परंपरा से टुकड़ों में बंटती चली आ रही जमीन ने आदिवासी किसानों को अल्प भूधारक बना दिया है। अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक खेती पर निर्भर रहने वाला किसान साल में बमुश्किल 10 से 15 हजार रुपए ही कमा पाता है। खेती के अलावा अन्य आय स्रोतों के लिए ना तो यहाँ सोच विकसित हुई है और ना ही संसाधन। मौसम का थोड़ा सा भी बदलाव मानसून पर निर्भर भूमिपुत्रों का चूल्हा ठंडा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जंगली जानवरों द्वारा फसलों का नुकसान, फसल की बिक्री में दलालों द्वारा शोषण इनकी नियति बनता जा रहा है। ऐसे में खरीफ की फसल के बाद यहाँ के लोग रोजी की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ते हैं। पत्थर की खदानों, ईंटों के भट्टों और बड़े बड़े निर्माण कार्यों के स्थल पर इन्हें मजदूरी करते हुए देखा जा सकता है। जीवन की इसी अस्थिरता ने इनके सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को पूरी तरह से प्रभावित किया है। पिछले टाइम में हमारे को जो ये MRGS का जो ग्राम पंचायत मार्फत जो भी गांव के अंदर जो काम मिलता था वो नहीं था, इसलिए हमारा परिवार और हमारा जो बाल बच्चे सहित हमको बाहर गांव जाना पड़ा था। और कहीं पर भी मतलब कहीं रोड पे या सड़क पे ऐसे जगह हमको मुकाम करना पड़ता था। और उसके साथों साथ आज जो रोजगार हमी का काम जो हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे गांव में जो हो रहा है, इस पे हमारे को इतना बड़ा आधार मिला है कि हमारे को स्थलांतर नहीं जाना पड़ा। 5 से 6 महीने बाहर काम कर लौटने पर मजदूर के हाथ में बचत के नाम पर कुछ खास नहीं होता। ठेकेदारों द्वारा शोषण, महंगा शहरी जीवन यापन और नशे की लत, इनकी गाढ़ी कमाई निगल जाती है। स्थलांतर का दुष्ट चक्र गैर संस्थागत कर से भी जुड़ा है, जिसकी वसूली के लिए ठेकेदार पूरे परिवार से बंधुआ मजदूर की तरह काम लेते हैं। सम्मानपूर्ण जीवन तो मानो इनके लिए पराई दुनिया का शब्द है। सरकार ने इस बात को समझा, आजीविका के पर्याय द्वारा ही पलायन के दुष्ट चक्र को भेदा जा सकता है। वैसे तो रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 1972 में महाराष्ट्र से ही हुई थी, पर बात जब मेलघाट की थी तो चुनौतियां भी अलग थी। दुर्गम क्षेत्र में दूर दूर तक बिखरे प्रत्येक परिवार तक पहुंचना, स्थलांतर की मानसिकता से आदिवासियों को परावृत्त करना, काम की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर विश्वास का वातावरण बनाना, मेलघाट के 1.25 लाख मजदूरों द्वारा मांगे जाने पर भी दिया जा सके इतना काम उपलब्ध करवाना, तज्ञ तांत्रिक मनुष्य बल संपादित करना, बैंकिंग व्यवस्था के नामशेष अस्तित्व की वजह से तुरंत मजदूरी भुगतान हेतु पर्यायी व्यवस्था बनाना, साधन सुविधाओं के अभाव के बावजूद शासकीय यंत्रणा को रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में सक्षम बनाना और विविध शासकीय गतिविधियों में आपसी तालमेल बैठाना। चुनौती जितनी बड़ी थी, समाधान भी उतना ही प्रभावी होना आवश्यक था, और इसी का नाम है मेलघाट पैटर्न। आदिवासियों को उन्हीं के गांव में रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस प्रकार का विजन सामने रखकर
और इस जरिए से आदिवासियों में होने वाली बाकी की जो समस्या है कि उनको रोज़गार देकर उनके उनका इकोनॉमिक लेवल जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, उनकी एग्रीकल्चर कैपेसिटी बढ़ाई जाए, उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स अप्रोच किस तरीके से सिखाई जाए और वाटरशेड डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, कम्युनिटी असेट्स किस तरीके से बनाए जाएँ, इस सब को सामने रखते हुए हमने महात्मा गांधी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमें योजना की पूरी प्लानिंग मेलघाट के लिए विशेष रूप से इस साल की है। रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ऐसे कामों को हाथ में लेना है जिससे शाश्वत आजीविका के संसाधनों को विकसित किया जा सके। कृषि के सक्षमीकरण हेतु पत्थर की मेड़, कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच और फार्म बंडिंग जैसे मृदा संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता दी गई। व्यक्तिगत कुओं की खुदाई, वनराई बांध, मिट्टी बांध, खेत तालाब और गैबियन जैसी रचनाओं से जल संसाधन विकास किया जा रहा है। इसके अलावा वृक्षारोपण और नर्सरी विकास जैसी गतिविधियां पर्यावरण को भी समृद्ध बना रही हैं। साथ ही ग्राम सभा की सहमति से रास्तों का निर्माण, नाली निर्माण, तालाब खुदवाई जैसे काम भी हाथ में लिए गए हैं। तो दिवाली से होली तक उनको रोजगार देना, यह हमने एक प्रारंभिक लक्ष्य रखा और उसके लिए हमने काम शुरू किया। हमें सबसे बड़ी अड़चन जो ख्याल में आई वह यह थी कि वहाँ इंजीनियर की बहुत कमी है, वहाँ जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वहाँ बहुत कम है। इस वजह से हमने वहाँ पर जो इतर मेलघाट छोड़कर जो बाकी का भाग है वहाँ से कुछ अभियंताओं, कुछ इंजीनियरों को वहाँ पे डिपुट किया और उनको ग्राम पंचायत, तीन तीन चार चार ग्राम पंचायत उनको बांट दिए और उस ग्राम पंचायत के लिए वह एक गार्जियन इंजीनियर करके काम करेंगे, ऐसी हमने योजना बनाई। जो इंजीनियर डिपुट किए थे उन्होंने साइट्स ढूँढना, उसके बाद उसके एस्टिमेट तैयार करना और जब काम शुरू है तब उसका मेजरमेंट करके मजूरों की मजूरी कितनी हुई वह तैयार करना, यह काम करना था। साथ ही हमको यह भी काम करना था कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो डिप्लोमा होल्डर है, जो टेक्निकल असिस्टेंट है, उनको भी हमको उनको उनको भी सक्षम करना था। तो साथ ही यह जो उधर गार्जियन इंजीनियर को अपॉइंट किया था उन्होंने उनको भी प्रशिक्षित किया। दिवाली से होली तक करीब 14 करोड़ रुपए खर्चा किया और एक समय हमने 16 से 17 हज़ार मजूरों को, हमने दैनिक 16 से 17 हज़ार मजूरों को काम उपलब्ध कराया। इन कामों को सुलभ बनाने हेतु प्रशासन द्वारा जिला, तालुका व ग्राम स्तर पर विविध उपयोगी प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया गया, जिनमें ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, तांत्रिक सहायक, सरपंच और शासकीय कर्मचारियों को कार्यपद्धति, नियमावली, सूचना प्रसारण, तांत्रिक कौशल्य आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। मात्र लोक सहभाग के बिना यह सभी प्रयास अधूरे थे। लोक सहभाग सुनिश्चित करने का प्रमुख जरिया थी ग्राम सभा। काम का स्वरूप तय करने के साथ ही सक्षम रोजगार सेवक की नियुक्ति भी ग्राम सभा द्वारा ही की गई। कदम दर कदम रोजगार गारंटी योजना ने आदिवासियों के सपनों में रंग भरना शुरू कर दिया। कभी कुपोषण की मार झेलने वाले शिशु आज आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषक आहार पा रहे हैं। पहले गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी की साइट पर धूल खाते बैठे रहने वाले बच्चे आज अपने ही गांव में शिक्षा भी पा रहे हैं और खेल कूद भी रहे हैं। पालक वर्ग बाहर गांव जाते थे और बाहर गांव जाने के बाद में सब उनके बच्चों को भी साथ में लेके जाते थे और बच्चों को लेके जाने के बाद में उसकी उपस्थिति में बहुत फर्क गिरता था। कुटुंब सह आज ये यहाँ गांव में रुक रहे हैं, ये सब लोगों को मालूम होगा कि शिक्षण क्या चीज़ होता है और काम क्या चीज़ होता है। गाँव में जो काम खुला हुआ है सभी लोगों को काम बताकर यहाँ पर गांव में जो काम बताए वो काम भी कर रहे हैं और बच्चे भी स्कूल में रोज आ रहे हैं।
पट संख्या में 80 से 95 तक अच्छी बढ़कर उपस्थिति हमेशा रहती है। साल 2010-2011 में रोजगार गारंटी योजना द्वारा धारणी व चिखलदरा की 116 ग्राम पंचायतों में 24,000 से अधिक मजदूरों को अपने ही गांव में काम उपलब्ध करवाया गया, जिसके लिए यहां 25 करोड़ रुपए के कार्य अमल में लाए गए। भारतीय शासन के प्रयास से जो भी उपक्रम आता है हमारे जिसके मार्फत, उनने अच्छे तरीके से मेलघाट पैटर्न दबाया। करीब करीब धारणी और चिखलदरा में 35 से 40 मजदूर जो दिवाली के बाद में काम नहीं होने के कारण स्थलांतर करते हैं, उनको काम नहीं होने के कारण, लेकिन उनको एक एक स्थलांतर रुकने के लिए एमआरएचएस के काम, ये बहुत अच्छा काम है, साकार हुआ है उनके लिए। एमआरएचएस के काम से करीब करीब 25 करोड़ रुपए का काम उनको हुआ है और महाराष्ट्र शासन ने एमआरएचएस को बहुत सारा पैसा फंड उपलब्ध कराया है, जितना काम हो सके उतना फंड उसमें एमआरएचएस में उपलब्ध है। पिछले वक्त एमआरएचएस का मजदूर पेमेंट मिलने के लिए महीना महीना दो दो महीना तीन तीन महीना लगता था, लेकिन जब गांव गांव में हमने पोस्ट के मार्फत पेमेंट का जो व्यवस्था किया था तो उसके मार्फत वो अच्छी सुविधा उनको मिली। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में हमारे जिसके पेमेंट के लिए आज अगर शुरू किया जाए तो और भी हमारे मजदूर को सुविधाजनक होगी। रोजगार गारंटी योजना ने जिन गांवों का चेहरा मोहरा बदल दिया है उनमें से ही एक है डोमा ग्राम पंचायत। तहसील मुख्यालय चिखलदरा से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी पठार पर बसा डोमा गांव, गोंड और कोरकू जनजातियों के सहजीवन का डोमा उत्तम उदाहरण है। इस गांव में साल 2010 से 2011 के दौरान 35 लाख रुपए के विविध काम अमल में लाए गए। महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमें योजना अंतर्गत डोमा गांव में जो सारे मजदूरों को जो मजदूरी दी जा रही है उससे सभी मजदूर यहाँ पे रह के अपनी खुद की रोजी रोटी यहाँ पे बना के खा रहे हैं, अपने बच्चे के साथ अच्छा परिवार के साथ गुजर के यहाँ रह रहे हैं और खुश है। काश्तकारों की खेती में फसल अच्छी नहीं आती थी तो वो बाहर के कोई साहूकार लोग आके उनको पैसे उधार देते थे, कम दाम में उनका माल मोल लेते थे, लेकिन आज ऐसा है कि कोई भी काश्तकार कोई भी साहूकार से पैसे नहीं ले रहा है। सामाजिक संस्था की सहायता से किए गए जनजागरण ने रोजगार गारंटी योजना में लोक सहभाग को सुनिश्चित किया। अपनी ही खेती को समृद्ध बनाने हेतु मृदा संवर्धन के कार्य में जुटे मजदूरों का उत्साह देखते ही बनता है। बाहर जाते थे हम काम, कोई भी काम करते थे, रोड के काम, लड़के बच्चे छोड़ के हम काम पे जाते थे, गांव में काम अच्छे मिल गए तो काम में काम कर रहे गांव में। रोजगार हमें योजना खुलने की वजह से काश्तकारों को खेत में दगड़ी बंधा रहे बिनने का था, वो चुनवा के लोगों को पैसे भी मिलना चालू हो गया। अब कैसा हो गया कि ये काश्तकार का फायदा होने से बड़े काश्तकार के पास में नहीं जा रहा है तो लोगों को पैसा मांगने का कोई जरूरत नहीं लग रहा, अच्छे सही ढंग से काम भी हो रहा है। यहाँ बने वनराई बांधों ने भूमिगत जल को समृद्ध करने के साथ ही रबी की फसल का सिंचन और जानवरों के पेयजल की समस्या का हल भी ढूंढ लिया है। शाम को मजदूरी से थककर लौटने के बाद नव चैतन्य जगाने वाले लोक नृत्य की अभिव्यक्ति में अपने ही गांव में रोजगार पाने का आनंद समाया होता है। सबसे पहले एमआरजीएस सेल की स्थापना की। पहले हमारे पास कोई भी ऐसा सेल नहीं था जिसमें केवल एमआरजीएस का काम होता है, तो हमने अपने ही ऑफिस के कुछ लोगों को पूल कर एक एमआरजीएस सेल बनाया। उस एमआरजीएस सेल में हमने टेबल वाइज सारे काम डिवाइड करके दिए हैं कि जैसे ही मस्टर अगर आता है तो वो सबसे पहले कहाँ आएगा,
उसकी चेकिंग कहाँ पे होगी, उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, कैशबुक में एंट्री कैसे होगी, BDOs आपके पास साइन करने कैसे आएगा, और वो फिर हम पोस्ट विभाग द्वारा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये पूरा जो चक्र है वो हमने MREGS सेल में ले आए। चिखलदरा की तराई में बसे गांव वस्तापुर ने भी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ग्राम विकास के नए आयाम ढूंढे हैं। हमारा कुल मिला के 19,85,860 रुपए का काम हो गया अभी, और ये 5 महीने में हमने 6,820 लोगों की मनुष्य दिन निर्मिति काम की। हमारे वस्तापुर गांव में 302 कार्ड है, जॉब कार्ड, और 702 मजूर है। यहां योजना के माध्यम से बनाए गए व्यक्तिगत कुओं ने किसानों को साल में 2 फसल लेने के लिए सक्षम बनाया है। साथ ही ये किसान सब्जियां भी उगा रहे हैं। जहां कुआं खोदने से मिली मजदूरी ने कुछ परिवारों को पलायन से रोका, तो वहीं कुआं धारक परिवार की आजीविका को भी समृद्ध बनाया है। ग्राम सभा द्वारा बार बार विचार विमर्श, रोजगार सेवक द्वारा दिया गया प्रशिक्षण और प्रशासन का सशक्त आधार योजना के काम स्थानिक नियोजन के अनुरूप अमल में आने लगे। यहाँ के रोजगार सेवक जॉब कार्ड का महत्व गांव वालों को समझा रहे हैं। जहाँ पिछले साल तक वस्तापुर पलायन का दंश झेल रहा था, वहीं इस साल यहाँ के लोग बांबू कला की बारीकियों को सीखकर एक पर्यायी आजीविका की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना को मेलघाट में अमली जामा पहनाने में एक और बड़ी दिक्कत थी, बैंकिंग व्यवस्था का सक्षम पर्याय ढूंढना। पहली बार संपूर्ण मजदूरी भुगतान डाकघर के माध्यम से करने का निर्णय हुआ। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में नकद ले जाने और वितरित करने हेतु एक खास योजना बनाई गई। लाइन डिपार्टमेंट्स के मस्टर तहसीलदार थ्रू पोस्ट ऑफिस में जाते थे और ग्राम पंचायत के मस्टर थ्रू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट ऑफिस में जाते थे। हमारा पोस्ट ऑफिस परतवाड़ा में है, वहाँ पे ये सब मस्टर आने के बाद हम उस मस्टर्स को सब पोस्ट ऑफिस वाइज अलग अलग करते थे, और ये सब पोस्ट ऑफिस के अंदर जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस आते हैं उनकी डिमांड हम ले लेते थे, और ये जो मस्टर थे ये सब पोस्ट ऑफिस से हर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जाते वक्त ही हम अमाउंट डिसाइड कर लेते थे कि इस सब पोस्ट ऑफिस को कितनी अमाउंट देनी है, इस सब पोस्ट ऑफिस को कितनी अमाउंट देनी है, और उतनी अमाउंट हम निकाल के व्हीकल में साथ में लेके जाते थे, और साथ में उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दे देते। ये अमाउंट पहले सब पोस्ट ऑफिस में जाती थी और वहाँ से हर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ये अमाउंट जाती थी। तो इसका फ़ायदा ऐसा हुआ कि हर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कम से कम हम होली के पहले 1-1 लाख 2-2 लाख पेमेंट करते थे और लोगों को 7 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाती थी। स्थानिक उप डाकघरों की भुगतान की अंतिम कड़ी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले तो मास्टर आता है, मास्टर से फिर पासबुक पे हम उसकी रकम पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद विड्रॉल भरते हैं। ऐसे करते हैं हम दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे ड्यूटी देके 150 के लगभग पेमेंट करते हैं ट्रांजेक्शन एक दिन में। कैश रही तो 2 लाख के आसपास जाते हैं। मेलघाट पैटर्न शुरुआत है पलायन के दुष्ट चक्र के अंत की। यहाँ से समृद्धि और सम्मानपूर्ण जीवन बाहें पसारे आदिवासियों को बुला रहे हैं। विश्वास और उत्साह की छटा धीरे धीरे चेहरों पर बिखरने लगी है। पत्रकारों की कलम और मुद्दों की सरगर्मियों से दूर एक अंधेरे कोने को रोजगार गारंटी योजना के आशादीप ने प्रकाश से भर दिया है।